हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ सेव पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही इजी होती है और जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है और बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेव पूरी के लिए सबसे पहले हम आलू का मसाला रेडी करेंगे। आलू का मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ बॉइल्ड आलू लिए हैं, चार आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे व्हाइट मटर। मैंने यहाँ व्हाइट मटर को भिगो के रखा था, उसे बॉइल कर लिया है। व्हाइट मटर लेंगे, थोड़े डालेंगे हम इसमें प्याज, कच्चे प्याज, थोड़ी हरे धनिए की पत्ती, ग्रीन चटनी डालेंगे, हरे धनिए की चटनी है। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल टीना किचन में देख सकते हैं। मैंने यहाँ दो चम्मच हरे धनिए की चटनी ली है। साथ में हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर एक चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार डाल देंगे, इसमें हम फाइनली डालेंगे पानी पूरी का पानी, चटपटा तीखा पानी। पानी पूरी के पानी की रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया है, इसे हम साइड में रख देते हैं। यहां मैंने लिए हैं फुचका, सबको तोड़ लिया है। फुचका में हम आलू का मसाला डालेंगे। सब में आलू का मसाला हमने भर लिया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी हम डालेंगे दही, सभी में डाल देंगे। थोड़ी डालेंगे हम बूंदी, सब में फील कर देंगे। हरे धनिए की चटनी, इमली की चटनी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी प्याज, थोड़ा डालेंगे हम ब्लैक सॉल्ट, हल्का हल्का डालना है। थोड़ा थोड़ा दही डालेंगे दोबारा से हम इस पे। फिर से थोड़ी सी इमली की चटनी ऊपर से डाल देंगे। बारीक सेव, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, हरी धनिया की थोड़ी सी पत्ती,
लाल मिर्च पाउडर, फाइनली थोड़ा सा प्याज और डाल देंगे हम। हमारी सेव पूरी बनकर रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।